इंदौर से खरीदा और इंदौर, धार, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन, रतलाम तथा शाजापुर जिले के किसानों को बेचा। मार्कफेड ने जैविक उत्पाद प्रोपराइटर मेसर्स एडवांस क्रॉप केयर, मेसर्स त्र्यंबकेश्वर, दिव्य ज्योति, धनलक्ष्मी और चार भुजा से खरीदा। किसानों को ये उपलब्ध कराया गया मार्कफेड के द्वारा। अब जो विभाग के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि कृषि विभाग की जांच को क्रॉस चेक करने के लिए मार्कफेड प्राइवेट लैब में खाद की जांच करवा रहा है। सरकारी लैब की बजाय प्राइवेट लैब से जांच करवाने से कई तरह की शंकाएं जन्म ले रही हैं। जिस प्राइवेट लैब से जांच कराने की बात कही गई उससे उर्वरक कंपनी वाले साठ गांठ भी कर सकते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि विभाग ने 21 दिसंबर 2015 को निर्देश जारी किए थे कि उर्वरक की जांच कराने के बाद ही कंपनियों को भुगतान किया जाए, तो कंपनियों का भुगतान बगैर जांच के कैसे कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। रासायनिक उर्वरकों के नमूनों की जांच कृषि विभाग द्वारा कराई जाती है तो मार्कफेड को भरोसा क्यों नहीं है? इसका सीधा मतलब है कि कृषि विभाग ने अमानक स्तर की खाद खरीद ली। मार्कफेड ने खाद की गुणवत्ता की जांच करने का काम इंदौर की चौकसी लेबोरेटरी को सौंपा है। वाकई ये कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रहा है। जब इतनी बड़ी मात्रा में खाद का इस्तेमाल हो गया उसके बाद अब मार्कफेड को इसकी जांच, इसके नमूनों की जांच कराने की सुधाई है और अब खाद की जांच प्राइवेट लैब से कराई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कृषि विभाग अपने स्तर पर अलग से जांच करवाता है, उसके बाद मार्कफेड क्रॉस चेक करने के लिए जांच करवा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो खाद खरीदी गई है वो अमानक स्तर की खाद थी। ये लंबे समय से इस तरह की शिकायतें कृषि विभाग में की जाती रही और आती रही हैं। अब ये जांच से ये बात साबित हो रही है कि वाकई कृषि विभाग ने अमानक स्तर की खाद खरीद कर किसानों को बांटी है। रबी सीजन में करोड़ों रुपए के खाद का उपयोग होने के बाद मार्कफेड अब ये जांच करवा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी खरीदी के बाद करवा रहे, जबकि जब खरीदी हो रही थी उस समय ही इसकी जांच होना थी कि खाद मानक स्तर की है या अमानक स्तर की। गेहूं की फसल आने वाली है, अब मार्कफेड को खाद के नमूनों की जांच करवाने की जरूरत महसूस हुई। मार्कफेड सरकारी लैब के बजाय प्राइवेट लैब में खाद के नमूनों की जांच करवा रहा है। यह भी एक शंका की बात है कि भाई प्राइवेट लैब में क्यों कराई जा रही है। मार्कफेड ने खाद की गुणवत्ता की जांच का काम इंदौर की चौकसी लेबोरेटरी को सौंपा है। सरकार की बजाय प्राइवेट लैब से जांच करवाने से कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। जिस प्राइवेट लैब से जांच कराने की बात कही गई है उससे उर्वरक कंपनी वाले साठगांठ कर सकते हैं, ये शंका जताई जा रही है। बावजूद इसके प्राइवेट लैब को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इंदौर और उज्जैन संभाग के मंडल प्रबंधक को जांच के लिए नमूने भेजने के निर्देश दिए गए हैं कि वो जो प्राइवेट लैब जिसको जिम्मेदारी दी गई है वहां पर खाद के नमूने भेज दें। मार्कफेड ने इस रबी सीजन में किसानों को सरकारी संस्थाओं और विपणन संघ से खाद का वितरण करवाया था। कृषि विभाग की जांच को क्रॉस चेक करने के लिए मार्कफेड प्राइवेट लैब में खाद की जांच करवा रहा है। ये मार्कफेड की दलील है। मार्कफेड का कहना है कि ये क्रॉस चेक करवाने के लिए काम करवाया जा रहा है। उर्वरक की जांच के बाद कंपनियों को भुगतान करना था, ये बाकायदा प्रावधान थे, इसके लिए जिलों को निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके बगैर जांच के खाद का भुगतान संबंधित कंपनियों को कर दिया गया। ये वाकई इसमें कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला सामने आने की संभावना जताई जा रही है। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। वन्य प्राणियों के संरक्षण की जिम्मेदारी वन विभाग को मिली हुई है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वन विभाग में अभी तक पशु चिकित्सकों के पदों का कोई प्रावधान नहीं था। जरूरत पड़ने पर पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्ति से लिए जा रहे थे। कई दशक बाद अब वन विभाग में भी वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा काडर बनाया जा रहा है। विभाग ने इसके लिए मध्य प्रदेश वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम जारी कर दिए हैं। इस सेवा में फिलहाल 10 पशु चिकित्सकों के पद रखे गए हैं। इन पदों को सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पशुपालन विभाग के चिकित्सकों के संविलियन के जरिए भरा जाएगा। इस काडर में विभिन्न वेतनमान के पदों की संख्या
सदस्यों की वरिष्ठता और पदोन्नति की स्थिति के अनुसार समय समय पर बदली जा सकेगी। सरकार सेवा में शामिल पदों की संख्या कभी भी घटा बढ़ा सकेगी। इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद वन विभाग में पहले से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पशु चिकित्सकों को संविलियन के जरिए नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भी पद भरे जाएंगे। शासन हर बार भर्ती के लिए व्यक्तियों की संख्या लोक सेवा आयोग के परामर्श से तय करेगी। आयोग के परामर्श से अन्य तरीकों से भी भर्ती की जा सकेगी, इसका प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा में प्रवण श्रेणी वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी का एक पद रहेगा। इसके अलावा वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी और वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो दो पद होंगे। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा द्वितीय श्रेणी में कनिष्ठ वन्य प्राणी अधिकारी के 5 पद रखे गए हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए अनुभव जरूरी किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अन्य वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी के लिए 16 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी के लिए 10 वर्ष, कनिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी के लिए 6 वर्ष का अनुभव रखा गया है। वन विभाग में अभी तक पशु चिकित्सकों के पद का कोई प्रावधान नहीं था, जरूरत पड़ने पर वन विभाग पशुपालन विभाग से बुलवाता था। जितने भी रिजर्व टाइगर हैं वहां पर पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी जो वन विभाग के अभ्यारण हैं वहां भी पशु चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन पशु चिकित्सक के वन विभाग में अभी तक कोई पद नहीं थे। अब कई दशक बाद वन विभाग ने वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा काडार का गठन किया है। ये काडार को बना लिया है, इसके नियम पूरे तैयार कर लिए हैं और इसमें अब जल्द ही भर्ती की जाएगी। वन विभाग ने वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती की जो है उसके नियम जारी कर दिए हैं, इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा काडार में 10 पशु चिकित्सकों के पद रखे गए हैं। फिलहाल इसमें 10 पद रखे गए हैं, जरूरत पड़ने पर इन पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा, इसका भी प्रावधान नियमों में कर दिया गया है। इन पदों को सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पशुपालन विभाग से संविलियन के माध्यम से भरा जाएगा। दरअसल अभी पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाती है, जरूरत पड़ने पर कई विभाग प्रतिनियुक्ति पर पशुपालन विभाग से जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको लेती है। इस काडार में पदों की संख्या सदस्यों की वरिष्ठता और पदोन्नति के आधार पर बदली जा सकेगी। सरकार वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा काडार में शामिल पदों की संख्या को कभी भी घटा बढ़ा सकेगी, जरूरत के हिसाब से इसमें संख्या का प्रावधान किया जा सकेगा। शासन हर बार भर्ती के लिए व्यक्तियों की संख्या लोक सेवा आयोग के परामर्श से तय करेगी। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा में प्रवण श्रेणी सहित कई पदों का सृजन किया गया है। वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के 2 और वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के भी 2 पद रखे गए हैं। अब बात करेंगे एक खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्रालय के गलियारों में आजकल IFS कैडर रिव्यू पर खूब चर्चा हो रही है। IFS अफसरों ने अपने कैडर रिव्यू के प्रस्ताव में 3 PCCF के पद बढ़ाने की सिफारिश की थी, जबकि प्रावधान के तहत 2 पद ही बढ़ाए जा सकते हैं। DOPT में कुछ महीने पहले तक मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर विराजमान थे। ये महाशय जब मध्य प्रदेश में थे तब जंगल महकमे की कमान संभाल चुके थे, इसलिए जंगल के अफसरों से नजदीकी संबंध थे। फिर भी महाशय ने IFS के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल रखा था, लेकिन रिटायर होने के एक दिन पहले साहब ने DOPT से कैडर रिव्यू की फाइल को सहमति देकर आगे बढ़ा दिया। PCCF के 2 के बजाय बढ़ाए गए 3 पदों को भी DOPT ने नजरअंदाज कर दिया था। IFS लॉबी की DOPT से कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने से प्रसन्न थे, लेकिन IFS लॉबी की प्रसन्नता को अचानक ग्रहण लग गया। DOPT से आगे बढ़ चुके कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर कैबिनेट सेक्रेटरी की नजर पड़ गई।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने पूछ लिया कि कैडर रिव्यू में 2% ही पद बढ़ाने का प्रावधान है, तो 2 की बजाय 3 पद कैडर रिव्यू में क्यों बढ़ा दिए। अब आईएफएस लॉबी जवाब नहीं दे पा रही है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।